हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके लिए ऑटोकैड की एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आप सभी कभी ना कभी इस प्रॉब्लम में आए होंगे या फिर आपको इस सब चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी, तो आज मैं उस चीज़ का आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपके पास एक होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट और एक होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट। अगर इनके बारे में आपको नहीं पता तो मैं एक आपको आई आइकन पे आप देख सकते हैं, वहां पर लिंक डाल दूंगा, तो कंप्लीटली इनके बारे में आप वीडियो देख सकते हो। आप यहां से भी मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट पर डबल क्लिक करता हूं तो आप देखोगे यहां पे जितने भी ऑप्शन है वो आपके सारे यहां पे ओपन हो जाएंगे और आप इसको एडिट कर सकते हो यहां पे इन ऑप्शंस की हेल्प से, कि आपको कोई भी साइज इंक्रीज करना है, बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह, ये सारी चीजें आपके ऑप्शन आ जाते हैं। वो आते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट में, जिसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं एमटी एंटर की। आप क्लिक करोगे बॉक्स बनेगा, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करोगे और डबल क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हो। तो ये तो हो गया मल्टी लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट में अगर आप डबल क्लिक करते हो तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं आता, डायरेक्टली सिंगल लाइन टेक्स्ट आती है। तो इसको करने के लिए तो हमें फॉर्मेट में जाके और यहाँ पे हमें टेक्स्ट स्टाइल पे जाना पड़ता है, फिर जाके यहाँ से चेंज करना पड़ता है, तब जाके इसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये चीजें कब कब होती है कि जब हम किसी भी ड्राइंग को हम इंपोर्ट करते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है, तब वो एम टेक्स्ट में नहीं आता, या किसी भी टेक्स्ट को आप अपने यहाँ पे इंपोर्ट करते हो तब सबसे ज्यादा इस चीज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसके लिए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा बनाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। अब अगर मैं चाहूं कि सिंगल लाइन टेक्स्ट को मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं तो उसको मैं किस तरीके से करूंगा, ये बेसिकली आपकी ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हो। एक छोटी सी कमांड है टेक्स्ट टू एम टेक्स्ट, शॉर्टकट है टी एक्स टी। अगर मैं यहीं पे दिखाऊं आपको डायनेमिक इनपुट ऑन करके टी एक्स टी टू एम टेक्स्ट, तो यहां पर आ रहे हैं टी एक्स टी टू एम टेक्स्ट। आप सिंपली आप ये कमांड एंटर करें, सिंगल लाइन टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें, जहां पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एंटर कर दें। अब ये सिंगल लाइन टेक्स्ट आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाएंगे और इसको आप उसी तरीके से एडिट कर सकते हो जिस तरीके से आप मल्टी लाइन टेक्स्ट को एडिट करते हो। बहुत ही ज्यादा यूजफुल कमांड है। और टेक्स्ट टू एम टेक्स्ट की हेल्प से आप एक और चीज कर सकते हो कि मान लो आपके पास दो टेक्स्ट है और इनको एक सिंगल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ये भी बहुत बड़ी इशू है जिसको आप इसी कमांड से सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहां पे लिखो टेक्स्ट टू एम टेक्स्ट, एंटर, दोनों को सिलेक्ट करो और एंटर कर दो, तो आप देखोगे दोनों एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। डबल क्लिक करोगे तो एक ही बारे में आप इन्हें एडिट कर सकते हो और एक सिंगल टेक्स्ट आपका ये बन गया है जिसको आप यूज कर सकते हो। ये दोनों ही कमांड बहुत यूजफुल है। यूजफुल मैं इसलिए बोल रहा हूं, पर्सनली मेरे को पता है इन दोनों ही कमांड को मैं बहुत यूज करता हूं और ये बहुत हेल्पफुल कमांड है जो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।